सो ये रहा बिल, सो ये देख सकते हो भाई। सो गाइस टोटल सर्विस कॉस्ट इसकी 31, ये देखो ये पूरी लीक कर रही है यार, इंजन ऑयल पूरा लीक कर रहा है इस पाइप से। सो गाइस इंजन ऑयल है मेरे पास, मोट्यूल आरपीएम क्यों डाउन रह रहा है इसका, आरपीएम क्यों डाउन रह रहा है, अभी तो ठीक है, जब इसको कॉल स्टार्ट करेंगे तब। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो, आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइज आज की वीडियो शुरू हो रही है कुछ इस तरह की जगह से, वो जगह मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की सर्विस वगैरह करवाने के लिए, और कांगड़ा जा रहा हूँ अभी मैं। सो आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया, सो अभी कुछ रुका था थोड़ी देर, मैंने सोचा ब्लॉग वगैरह शूट कर लेते हैं। सो बालों को इग्नोर करना, हेलमेट वगैरह लगाए हुए थे तो बाल वगैरह सारे ख़राब हो गए हैं। सो गाइज आज इसकी होगी 6 सर्विस, जो कि है पेड सर्विस इसकी। सो आज असली सर्विस कॉस्ट का पता लगेगा, और इसकी जो दिक्कतें हैं, जो इसमें दिक्कतें आ रही हैं, 14,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक, और अभी मैं आपको सारी दिक्कतें बताऊंगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और आज क्या क्या चेंज होगा इसमें और क्या क्या नया डलेगा। सो गाइज अभी मैं करता हूँ गोप्रो पे शिफ्ट, और अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सो अभी गोप्रो पे होते शिफ्ट और दिखाता हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें। सो गाइज ये रहा अपना ड्रैगन, और आज होगी इसकी सर्विस, फुल सर्विस होगी। पहले तो आप ये चेक करो मेरी बाइक चल चुकी है, इसकी सर्विस होने वाली है 14,712 किलोमीटर। सो गाइज अभी इसको सर्विस करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। सो ये जगह देखो भाई, ये 4 लेन वगैरह बन रहा है नीचे सारा, और सामने तक देखो कितना अच्छा व्यू है इधर का। सो गाइज अभी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि सो गाइज ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर इसके कंप्लीट होने वाले हैं। सो 15,000 किलोमीटर के बाद क्या क्या दिक्कतें आई इसमें, और आज क्या क्या इसका चेंज होगा। सो एक जो पहले इंजन में से अजीब सी नॉइज़ आ रही थी, सो वो आज उसके लिए भैया मैं पिछली बार गया था तो मैंने चेक वगैरह करवाया था। सो रोकर्स डलेंगे इसके आज नए, सो वो आ गए हैं, मैंने अभी कॉल करी थी भैया को तो उन्होंने कहा कि आगे इसके रोकर्स आ गए हैं, सो वो आज डलेंगे। सो उनको डालने के बाद देखते हैं वो साउंड जाती है कि नहीं। सो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें चेंज होने वाली है वो इसका फ़िल्टर चेंज होगा, ऑयल फ़िल्टर चेंज होगा, और इंजन ऑयल बाद में दिखाता हूँ आपको। और गाइज इसके एक जो चेन सेट है ना, इसमें कपलिंग्स होते हैं अंदर, सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, डबल स्टैंड पर लगाता हूँ क्या चीज़ है, वो मिलेंगे ना मुझे तो चेंज करवा लूँगा अदरवाइज़। सो ये देखो इसमें प्ले आ चुकी है, ये देखो कितनी प्ले आ चुकी है इसमें। सो इसके अंदर रबर्स के कपलिंग होते हैं, वो चेंज करवाने होते हैं। सो मिलेंगे तो वो भी करवा लेंगे चेंज, और इससे माइलेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यार। और गाइस बाकी ब्रेक पैड्स चेंज होंगे इसके पीछे के, थ्रोटल बॉडी क्लीन करवाएंगे, 14,000 किलोमीटर चल चुकी बाइक, अभी तक एक बार भी मैंने इसकी थ्रोटल बॉडी जो वो क्लीन नहीं करवाई है, सो इस बार क्लीन करवाएंगे। और इंजन ऑयल है इसका, सो गाइस इंजन ऑयल है मेरे पास मोट्यूल का 10W40 फुली सिंथेटिक 7100। सो बेस्ट इंजन ऑयल है, पिछली बार मैंने ये डलवाया था तो भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही बाइक की। और ये मैंने एक ही डब्बा लिया इस बार, क्योंकि पिछली बार इसमें देख सकते हो कितना बच गया था, सिर्फ 200 ml डला था इसमें से। सो ये यूज़ हो जाएगा इस बार, और अगली बार भी एक बार फिर से यूज़ हो जाएगा। सो एक ही डब्बा 3 बार यूज़ हो जाता है, 3-4 बार यूज़ हो जाएगा आराम से। सो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 890 इसका प्राइस है, बट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मुझे ये पड़ा 810 रुपये का। सो गाइज ये इंजन ऑयल डालेंगे इसमें आज, और काफ़ी बड़ी इंजन ऑयल है इस बाइक के लिए यार ये। सो पिछली बार भी ये डाला था और क्या परफॉर्मेंस थी यार इसकी, वो हम किसी लग वीडियो में शेयर करूँगा अपना पूरा एक्सपीरियंस। सो इसको डालते हैं अभी बैग में, और सो गाइज अभी करते हैं इधर से मूव, और अभी टाइम हो चुका है 11 बजने वाले हैं, और चलते यार बहुत टाइम लगेगा सर्विस वगैरह करवाने में, सो जल्दी से चलते हैं अभी इधर से। ये जो मैंने पार्ट्स बताए ना आज, ये सारे चेंज होंगे, अगर कपलिंग मिलेगी तो कपलिंग भी डलवा लेंगे। हाँ और एक और दिक्कत आई है गाइज इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ इस साइड। सो गाइज ये जो इसकी ऑयल कूल्ड इंजन है ना, सो इसकी 2 पाइप्स होती हैं, ये है इसकी एक ऊपर साइड लगी है, ये वाली होती है इसकी इनलेट, जिसमें से रेडिएटर में ऑयल जाता है और ठंडा होके इस आउटलेट से आता है। सो ये देखो ये पूरी लीक कर रही है यार, इंजन ऑयल पूरा लीक कर रहा है इस पाइप से। सो ये वाली पाइप भी चेंज करवाएंगे, और ये मैंने कॉल करी थी तो है इनके पास, उन्होंने कहा तो चलो इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा यार, ये देखो पूरी ऑयल लीकेज हो रही है इधर से इंजन ऑयल की। सो ये भी चेंज करवाएंगे, और बाइक का इसको इसके कारण ना बाइक का बिहेवियर इतना चेंज हो गया ना क्या बताऊँ यार। सो आज चलो यार सारा काम करवा ही लेते हैं इसका, और लेट्स गो, अभी देखो बाइक पे कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है, लेट्स गो अब इधर से करते हैं मूव, कुछ रहा तो नहीं मेरा सामान, नहीं है गाइस चलो। सो गाइस ये व्यू चेक करो भाई नीचे का, क्या व्यू है यार।
सो गाइस आधा रास्ता भी मैंने कवर कर लिया है और अभी टाइम हो चुका है 10:57, 11 बजने वाले हैं और आज काफ़ी अच्छी धूप निकली गाइस और अभी कर रहे हैं हम ऑफ रोड। सो गाइस बहुत अच्छा स्पोर्ट दिखा रहे हैं यार पीडीस पे, ऐसे स्पोर्ट करते रहो गाइस। जल्दी बाइक लेनी है यार न्यू, इसका एक और भाई लेके आएंगे ड्रैगन का भाई, उसका नाम रिवील अभी नहीं करूँगा, नाम मैंने सोच के रखा है, बहुत यूनिक नेम है, आज तक किसी ने भी अपनी बाइक का वो नाम नहीं रखा होगा यूट्यूब पे क्या ऐसे में रखा होगा। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस ज़्यादा नहीं भगाएंगे इसको क्योंकि इसकी वो पाइप जो वो लीक कर रही है यार, अगर ज़्यादा भगाएंगे तो इंजन हीट होगा और वो इंजन ऑयल उठाएगा उधर से और फिर लीक होगा। सो थोड़ा इसको आराम से चलाएंगे। सो गाइस एक तो मेरा ये हेलमेट जो है ना ये ढीला हो गया यार अब मुझे इसके अंदर मैंने कैप लगाई थी और हेलमेट वेयर कर लिया था तो उसके बाद गाइस ढीला हो गया यार ये। सो अभी मुझे लगता है न्यू हेलमेट लेना पड़ेगा मुझे या फिर एक बार इसकी पैडिंग वॉश करके देखूंगा शायद उससे ठीक हो जाए। सो अभी ये आगे की तरफ चला जा रहा है जैसे गोप्रो लगा रहा है ना आगे, सो सारा भेड़ आगे की तरफ चला जा रहा है। सो पहले जो था वो फिट रहता था एकदम मुँह के साथ, सो देखते क्या सीन बनता है। सो गाइस बाइक का बिहेवियर ना पूरी तरह से चेंज हो चुका है यार, पूरी तरह से आज इसकी फुल रिपेयरिंग करवाएंगे, मुझे लगता है आज अच्छा खर्चा आएगा। जो रोक कर रहा है वो तो वारंटी में चेंज होंगे, सर्विस कॉस्ट तो इसकी लगेगी, लेबर चार्ज भी लगेंगे इस बार। और अब इस गाइस सीधा मिलता हूँ आपको सर्विस सेंटर पर, और मेरे लिए तो बहुत लंबा सफ़र है अभी बट आपके लिए 2 मिनट का सफ़र है ये देखो। सो गाइस लो आपका 1 सेकेंड का सफ़र था, तो अभी पहुंच चुके हैं हम TVS के शोरूम पे। सो चलो बाइक लगाते हैं अंदर और करवाते हैं इसकी सर्विस वगैरह। बट गाइस भीड़ बहुत आज। नमस्ते सर, और ठीक ठाक सर्विस और रोक कर वगैरह डाल दो इसके सारे। हाँ जी हाँ जी सर, इसका सामान निकलवा दो, इसके ना ब्रेक पैड्स डलने पीछे वाले ना, और ये क्या होगी ना नंबर, ठीक है, डिस्क पैड हो गए इसके और इसकी थ्रोटल बॉडी जो उसको क्लीन कर देना ना, और बाकी कपलिंग चेंज करनी इसकी और पाइप हो गई है कि ये, और इसके इंजन ऑयल में लाए हो अपना, हाँ, और बाकी रोकर्स रोकर देख लेते हैं, है नहीं मोटरसाइकिल चेक किए लड़के ने, है नहीं हमारे बनने वाले इस मोटरसाइकिल वो हम निकाल लेंगे और बस। सो गाइस ये रही TVS की रोनिन, ये रही अपाचे 160 200 200 200, कोई भी नहीं इधर। इसका एग्जॉस्ट देखो भाई पूरा चेंज कर दिया है, मुझे नहीं लगता जरूरी अच्छा ये, पहले वाला अच्छा लगता था। 200 एक भी नहीं है यार इधर, ऑर्डर पे लाते होंगे। रोनिन देखो, रोनिन का मीटर भाई साहब, इसके कंट्रोल्स वगैरह नहीं है इधर यार कुछ भी, कंट्रोल कहाँ से होते होंगे, मोड टच है क्या? अच्छा इसके नीचे दिए गाइस, ये नीचे। चलो अभी सर्विस वगैरह करवाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। 2000 years later. सर्विस वगैरह डन हो चुकी है इसकी, ट्राई लेके आते हैं यार, बाकी फिर देखते हैं। और भाई यार सर्विस करवाने के बाद ना एकदम न्यू जैसी फीलिंग आती है बाइक से, इतनी स्मूथ चल रही है ना बाइक, बट इसके यार रोकर्स नहीं मिले मुझे, रोकर्स अभी तक आए नहीं है और गियर इतने प्यारे स्मूथ हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं ना गाइस क्या बताऊँ यार, पिकअप भी पहले से अच्छा हो गया है। सो गाइस इसके ब्रेक पैड्स डले हैं ना, तो अभी ब्रेक्स वगैरह नहीं लग रही इतनी अच्छे से यार, थोड़ा अभी सेट होने में इनको टाइम लगेगा। सो गाइस चलते अभी वॉशिंग वगैरह करवाते हैं, बिलिंग करते हैं इसकी और निकलते हैं फिर इधर से, फिर बाद में बताता हूँ आपको क्या क्या चेंज हुआ इसमें और क्या क्या काम करवाया मैंने। सो पेड सर्विस थी इसकी ये, तो आज इसकी असली सर्विस का पता लगेगा कितनी कॉस्ट आती है। सो गाइस बहुत चेंज हो गई यार बाइक, बहुत ज़्यादा। ये लो वॉश करनी है ना अभी,
सर वो मंगवा लेना ना जल्दी जल्दी बार पाँच महीने फिर मैंने एक अनदर साइड से मिली मुझे वो। सो गाइस फाइनली चलते अभी इधर से। ये देखो ना डाउन डाउन रह रहा है स्कॉर्पियो। पिछली बार भी ये दिक्कत आई थी ना इसमें नहीं नहीं जब इसको कोल स्टार्ट करते हैं सुबह तब इसका आरपीएम 2000 से ऊपर होता है फिर धीरे धीरे नीचे आता है। अब ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी हुई थी ये दिक्कत ना, तो इसका जो थर्मल सेंसर था ना वो चेंज करवाया था उसके बाद ठीक हो गया था। अगर थर्मल सेंसर में प्रॉब्लम हो ना, अगर इस टाइम आप एक्सीलरेशन देंगे ना गाड़ी छोड़ जाती है। ये आप पूरा ले रही है, ये बीच में झटका नहीं दे रही है, मतलब लैप नहीं है, बीच में कंटिन्यू है। तो आरपीएम क्यों डाउन रह रहा है इसका? आरपीएम क्यों डाउन रह रहा है? ठीक है अभी तो ठीक है, जब इसको कोल स्टार्ट करेंगे तब। कोल गाड़ी ठंडी होती है ना? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें क्या करना है। आपने मॉर्निंग में एक मिनट तक गाड़ी स्टार्ट करो, छोड़ दो उसको। हाँ भाई बोल रहा हूँ ना, पहले जब होता था ना देखो ना ऑयल जो बैठा हुआ है वैसे अगर ठंड है रोटेशन में जब पूरा तेल घूम जाता है ना उसके बाद चला के देखो तब प्रॉब्लम अगर आए ना फिर दिक्कत है। अभी आपकी गाड़ी में जब इस टाइम अगर देख रहा तो ओके है, क्या देखो बंद हो गई। ये धीरे धीरे आती प्रॉब्लम, पहले वैसे हुआ था। ये देखो फिर से भाई गाड़ी गर्म हो गया थोड़ी पहले ठंडी। ये ऐसे रहेगी, कल भी ऐसे थी परसों भी ऐसे थी। ठीक है सर, ठीक है थैंक यू। सो गाइस फाइनली सर्विस सेंटर से आ चुके हैं हम वापस और सर्विस वगैरह हो गई। सो आगे चल के कहीं रुकते हैं। सो अभी मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ घर, क्योंकि अभी कांगड़ा वाले रास्ते जाऊँगा तो फिर से बाइक वॉश करवानी पड़ेगी यार मुझे। सो बहुत गद्दी हालत है उस रास्ते की। सो अभी इस रास्ते से जा रहा हूँ घर, थोड़ा सा लंबा पड़ता है बट ठीक है। सो अभी शूल अप वगैरह भी करवाया और सर्विस भाई असली सर्विस का पता तो आ चला यार कसम से यार, ये तो सुपर बाइक लग रही है मुझे इस टाइम। सो आगे चल के बताते हो कितनी सर्विस कॉस्ट आई और क्या क्या चेंज हुआ। बट भाई जो इसकी पिकअप हो गई है ना अभी फिल्टर वगैरह चेंज होने के बाद यार कसम से इंजन ऑयल नहीं डाला ना, लग ही फील आ रही है यार। साउंड भी एकदम पहले जैसी हो गई है, न्यू जैसी फील हो रही है पूरी। बट इसमें जो स्टार्टिंग एक और दिक्कत आ गई यार, जो स्टार्ट नहीं हो रही है यार, ये अच्छे से सेल्फ नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या बन पे चला गया इसका क्या। अब यार एक बार आना मैंने इधर रोकस डलने इसके, वो तो सब वारंटी में चेंज होगा। तो अभी जो इंजन की साउंड आ रही थी वो भी अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। गाइज अभी आ चुके हैं हम कुछ इस तरह की जगह पे और अभी बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या चेंज हुआ और कितनी कॉस्ट आई सर्विस की और सब कुछ। सो ये रहा बिल। सो ये देख सकते हो भाई, पहले तो इसमें डला पाइप आउटलेट की, जो रेडिएटर की पाइप होती है ये वाली। सो ये लीक कर रही थी, सो ये न्यू डली 435 रुपीज़ की। और बाकी इसमें ऑयल फिल्टर डला 46 रुपीज़ का। थ्रोटल बॉडी इसकी क्लीन हुई 150 रुपीज़ की। एयर फिल्टर डला इसमें 275 रुपीज़ का। आगे और पीछे के दोनों ब्रेक पैड चेंज हुए,
718 रुपए के, और पीछे जो इसमें कपलिंग होती है इस स्प्रॉकेट के अंदर जो हब होते हैं रबड़ हब, सो वो चेंज हुए वो 148 रुपीज़ के। और गाइज इसमें इंजन ऑयल में अपना लेके गया था मोटिल का 10W40 वही डाला, और बाकी टोटल सर्विस कॉस्ट इंजन ऑयल को छोड़ के, सो गाइज 2222 रुपये इंजन ऑयल का मिला लो 800 रुपया, और 2100 रुपये रख लो टोटल सर्विस कॉस्ट इसकी। सो गाइज टोटल सर्विस कॉस्ट इसकी 3100 रुपये गाइज, 3100 रुपये सिक्स सर्विस ये पेड, और इसमें लेबर चार्ज भी जुड़े हैं 400 रुपये। हो भाई सुपर बाइक से काम नहीं है ये। सो गाइज चलो सर्विस वगैरह कर दी है, बट अभी भी इंजन की जो साउंड थी वो अभी भी ठीक नहीं हुई है, रॉकर्स ऑर्डर किए थे बट वो नहीं मिले, और बाकी इसमें एक और इशू आ गया, देखो अभी स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा गियर में, सो गाइस चेक करना, ये देखो आरपीएम डाउन फिर धीरे धीरे अप, फिर से देखना ये देखो बंद हो गई अब तो, ये देखो नहीं नहीं दिक्कतें यार, मैंने सोचा थर्मल सेंसर चेंज करवाना पड़ेगा, बट वो भी हमने चेंज करके देखा, सो उससे भी कोई रिजॉल्व नहीं हुआ ये वाला इशू, सो अगली बार जाएंगे, अभी मुझे लगता है सब प्रॉब्लम इसके अंदर है, बन बे के अंदर, सो यही चेंज होगा मुझे लगता है, सो अगली सो कुछ दिनों के बाद देखते हैं जब रॉकर्स वगैरह आ जाएंगे इसके वो भी डाल देंगे, अब तो वारंटी में होगा इसका सारा काम। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो यही थी इसकी सर्विस कॉस्ट जो पेड सर्विस होती है सिक्स सर्विस, सो इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय गाइज़।